आज करेंगे जी एल्गोरिदम। ठीक है जी, तो जी एल्गोरिदम अभी देखते हैं कि होता क्या है और इसको इसका यूज कैसे है प्रोग्रामिंग में। तो बेसिक ये होता है कि जी एल्गोरिदम आप किसी स्ट्रिंग पर लगाते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमें स्ट्रिंग दे रखी है str, हम क्या करते हैं एक जी एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ अरे इक्वल्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str, ठीक है। और अब ये एक एलिमेंट जो है एरे का ith इंडेक्स पे, वो हमें क्या डिनोट करता है ये देखते हैं। तो वो हमें डिनोट करता है लेंथ ऑफ, ठीक है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन आई, ठीक है, विच इज ऑल्सो प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग str, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ये क्या है, मतलब जी आई क्या डिनोट कर रहा है। जी आई है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आई, मतलब आई से स्टार्ट होने वाली वो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग str का प्रीफिक्स भी है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ABC, ABD, FAC, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग का, ये हमारा str है, ठीक है, तो अगर हम इस स्ट्रिंग का z array क्रिएट करें तो क्या होगा। पहले तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो z array भी इतने ही साइज का बनेगा जितने का स्ट्रिंग है। तो अब देखते हैं जी एरे क्या होगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि अगर हम जीरो के लिए देखें तो जीरो से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ जो इस str का प्रीफिक्स है। तो जीरो का तो फायदा नहीं है क्योंकि जीरो से ही तो प्रीफिक्स भी चालू हो रहा है, ठीक है, और स्ट्रिंग का प्रीफिक्स स्ट्रिंग के इक्वल हो जाएगा। तो जीरो का हमें निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो हम वन से देखते हैं, ठीक है। तो वन से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो प्रीफिक्स भी है, तो हम चेक करेंगे बी को ए के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ठीक है जीरो। अब हम चेक करेंगे टू से स्टार्ट हो गए अगर प्रीफिक्स के इक्वल आ रहा है क्या, तो सी जो है वो ए के इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ भी जीरो। अब हमारे थ्री इंडेक्स पे तो ए जो है ए के इक्वल है क्या, है, एक लेंथ आ गई। फिर आगे बढ़े, बी बी के इक्वल है क्या, है, दो लेंथ आ गई। डी सी के इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि सिर्फ ये दो मैच हुई स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई, आई से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो हमारी प्रीफिक्स भी है। तो ये ए बी जो है थ्री से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रीफिक्स भी है हमारी स्ट्रिंग का, तो इसका आंसर होगा टू। वैसे ही फोर से अगर हम देखें, ठीक है, फोर से देखें तो यहाँ से फोर जो है ए के इक्वल है, बी ए के इक्वल नहीं है, तो जीरो। फाइव पे है तो डी ए के इक्वल है, नहीं है, जीरो। सिक्स पे एफ है, एफ ए के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, जीरो। सेवन पे क्या है, ए, तो ये ए से मैच कर गया, ठीक है, तो एक लेंथ हो गई। अब हम आगे बढ़े इसी से लॉन्गेस्ट चेक करने के लिए इसी पोजीशन से, तो एट पे गए एम सी, यहाँ पे हमें मिला बी, तो नहीं है, तो इसके लिए भी आंसर वन हो गया क्योंकि सिर्फ ए मैच हुआ है यहाँ पे प्रीफिक्स से, ठीक है। फिर हम गए एट्थ पे, तो सी ए से मैच हो रहा है, ए सी मैच नहीं होंगे, तो जीरो। तो हमारा ये आ गया जी एरे। और अगर हम डेफिनेशन से जाए तो इसका आंसर हमेशा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल आना चाहिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट होने वाली लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग जो है वो पूरी स्ट्रिंग ही होगी जो प्रीफिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लॉजिकली कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
नाइन होगा, ठीक है, क्योंकि नाइन लेंथ है स्ट्रिंग की। तो हमारा ये जी एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि जी एल्गोरिदम में करना क्या होता है, होता क्या है, स्ट्रिंग होती है, जी एरे क्रिएट करते हैं, और जी आई क्या डिनोट करता है ये भी देख लिया, और जी एरे ऐसे क्रिएट होता है ये भी देख लिया, ठीक है। तो यार अब इसका यूज कैसे है जी एल्गोरिदम का, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट में, कंपनी के कोडिंग राउंड में भी आया था एक प्रॉब्लम, इसका यूज करके सॉल्व हो रहा था वो, तो वो भी बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो बेसिक तो यही है कि एक स्ट्रिंग दे रखी होगी टेक्स्ट, ठीक है, अज्यूम करते हैं ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ठीक है, और एक हमें स्ट्रिंग दे रखी होगी पैटर्न पी ए टी, इसको ले लेते हैं ए बी सी। तो हमें बताना होता है कि यार ये पैटर्न की कितनी अकरेंस है और कहाँ कहाँ पर है इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक। तो एक ए बी सी यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो हमें बेसिक यही बताना, यही बेसिक होता है। इसका ही मॉडिफाई करके हम और भी मुश्किल प्रॉब्लम्स बना सकते हैं जी पे, ठीक है। तो हम ये सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग जिसे हम लेते हैं पैटर्न प्लस एक ऐसा कैरेक्टर जो ना पैटर्न में ना टेक्स्ट में है, तो कुछ डिलिमिटर टाइप लेते हैं, तो डॉलर ले लो, मतलब डेयरली किसी स्ट्रिंग में मिलेगा हमें इनपुट में, प्लस टेक्स्ट, ठीक है। और अगर हम इसकी लेंथ एन मान लें, इसकी एम मान लें, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एन प्लस एम प्लस वन, डॉलर का वन, ठीक है। तो हम इस न्यू स्ट्रिंग के लिए जी एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फिर उसका यूज करके हम पैटर्न की अकरेंसेस सारी टेक्स्ट में निकाल देंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे हमें इसी एग्जांपल को लेके समझते हैं, ठीक। तो हमारी न्यू स्ट्रिंग क्या हो गई, न्यू स्ट्रिंग हो गई भाई, पैटर्न था ए बी सी डिलिमिटर डॉलर, और फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ठीक है। थोड़ा वाइड रखते हैं इसे वरना थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। तो ए बी सी डॉलर ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ठीक है, और इंडेक्सिंग कर लेते हैं, तो इंडेक्स हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो अब हम जी एरे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो जीरो के लिए तो देखा था हमने कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि जीरो से ही प्रीफिक्स स्टार्ट होती है और जीरो से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम वन से करते हैं, हम स्टैंडर्ड इसे जीरो ही रहने देते हैं जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, वन से मैच हो रहा है क्या प्रीफिक्स हमारे स्ट्रिंग का, तो बी है ए है, मैच नहीं हो रहा, जीरो जीरो लेंथ मैच हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बार जी आई यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ क्या होता था, एक बार फटाफट, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है, विच स्टार्ट्स, क्या गचर बचर हो रही है, स्टार्ट्स, अगर स्टार्ट्स एट आई एंड इज अ प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो न्यू स्ट्रिंग है, क्योंकि हम न्यू स्ट्रिंग के लिए जी एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जी आई होता है, ठीक है। तो टू से स्टार्ट होने वाला प्रीफिक्स से मैच हो रहा है क्या, सी ए नहीं हो रहा, जीरो, डॉलर ए से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फोर पे ए है, ए से ए मैच हो रहा है, तो हम आगे और चेक करते हैं क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। तो ए ए हो रहा है, बी बी हो रहा है, सी सी हो रहा है, डी डॉलर नहीं हो रहा, तो मतलब सिर्फ ए बी सी स्टार्टिंग फ्रॉम फोर वी हैव लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग एज ए बी सी ऑफ लेंथ थ्री विच मैचेज विद आर प्रीफिक्स ए बी सी, ठीक है। तो थ्री हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि हमने यहाँ पे डॉलर लगाया ना,
तो डॉलर कभी भी हमारी स्ट्रिंग में रिपीट होगा नहीं, तो कभी मैच भी नहीं होगा। तो हमारे जो भी जी में मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वो पैटर्न की लेंथ ही आएगी। ये समझ रहे हो कैसे? क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो मैच करेगा प्रीफिक्स को, ये जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स हमेशा यही मैच कर पाएगा। जो भी सबस्ट्रिंग होगी वो इसी प्रीफिक्स को मैच कर पाएगी, डॉलर को कभी मैच करेगी नहीं, क्योंकि डॉलर रिपीट होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे हमने ये स्पेशल कैरेक्टर डाला हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बी से, बी का देखते हैं, फाइव इंडेक्स से। ठीक है, तो बी ए के इक्वल नहीं है, जीरो। सी ए के नहीं है, जीरो। डी ए से मैच नहीं हो रहा, जीरो। ई ए से नहीं हो रहा, जीरो। एफ ए से नहीं हो रहा, जीरो। ए ए से हो गया, बी बी हो गया, सी सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ का आ गया थ्री। ठीक है, अब बी ए से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, जीरो। सी ए से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, जीरो। तो हमें हर इंडेक्स के लिए लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग की लेंथ मिल गई स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स विच इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स ऑफ आर स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें अब क्या करना था, पैटर्न का फाइंड करना था, टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे होगा। तो कुछ भी नहीं करना, हमें ये पता है कि जी एरे में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पैटर्न की लेंथ ही होगी, वो हमने अभी देखा, क्योंकि डॉलर लगा रखा है। तो जो भी मैच होगा प्रीफिक्स से, वो लॉन्गेस्ट पैटर्न की लेंथ के बराबर ही होगा। तो बस आइट्रेट करो, डॉलर के बाद से आइट्रेट करना चालू करो, क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ से चालू है। ठीक है, तो डॉलर के बाद से आइट्रेट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर भी लेंथ हमारा जी आई, इफ जी आई इक्वल इक्वल लेंथ ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया वो प्रिंट आई। ठीक है, सॉरी, आई माइनस लेंथ ऑफ पैटर्न। ठीक है, -1, क्योंकि हमारा ये लेंथ ऑफ पैटर्न प्लस एक डॉलर का साइन एक्स्ट्रा लेंथ है। तो हमारा आई 4 पे है जी एरे में, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 4 -3 -1 यानी कि 0। तो 1 0 आ जाएगा हमारा आंसर जहाँ से हमें ये पैटर्न मिलेगा, और एक आ जाएगा ये वाला 10। तो 10 10 के लिए हमारा आ जाएगा 10 - लेंथ ऑफ पैटर्न -1 यानी कि 6। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस आ गए टेक्स्ट स्ट्रिंग में जहाँ पे हमारा पैटर्न मिला हमें स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, 0 और 6। तो सारी बात यहाँ पे आके ढक जाती है भाई, कि अब जी एरे को क्रिएट कैसे करें, हाउ टू क्रिएट दिस। ठीक है, ऑप्टिमली। तो हम अभी देखेंगे लीनियर टाइम में कैसे इस एरे को हम बनाएंगे। ठीक है, लीनियर टाइम में क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो भी हम करना चाहते हैं, पैटर्न मैचिंग या जो भी उसका मॉडिफिकेशन होगा, वो हम कर सकते हैं। तो मेन इसमें क्या रहता है, मेन जो चीज़ है वो ये है कि हम दो पॉइंटर का खेल है सारा। ठीक है, एल और आर का। तो हम एक इंटरवल मेंटेन करते हैं एल आर। ठीक है, n-1 > 1, और यहाँ पे n है जो n इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो फाइनल स्ट्रिंग होती है हमारी पैटर्न और टेक्स्ट को मैच करके, या जो भी जिसमें भी हमें चाहिए कि जिसका भी हमें जी एरे क्रिएट करना है, वो वाली स्ट्रिंग है। ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं, या फिर ये हमारा लेंथ ऑफ जी एरे भी कह सकते हैं हम इसे एन को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम एल आर जो एक इंटरवल मेंटेन करते हैं, इसका क्या मतलब है कि फॉर अ पर्टिकुलर एल, जो आर है ना, इस इंटरवल जो मैं एल आर कह रहा हूँ, आर जो है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर विच हमारा जो प्रीफिक्स है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो मैच करेगा एल से आर को। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, जो मैचिंग की लेंथ होगी, इसकी और इसकी लेंथ सेम होगी ना, तो वो होगी आर माइनस एल प्लस 1।
है, इस लेंथ का प्रीफिक्स मैच होगा अगर हम कह रहे हैं कि एल आर हमारी जो ये इंटरवल है, तो फॉर अ पर्टिकुलर एल ये आर जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स होगा जिसके लिए हमारा एल टू आर में जो सबस्ट्रिंग है वो मैच कर रही है प्रीफिक्स से। तो इससे इसका क्या मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल का वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रिंग लेना चाहूँ, ये कंसिडर करो ए बी सी, ए बी सी डी, ठीक है, इंडेक्सिंग कर लो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब मैं अगर इस एल की बात, अगर मैंने जो इंटरवल की बात करी एल आर, अगर मैं L3 लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, आर जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा, कि यहाँ पे आर जो है 4 भी हो सकता है, 3,4 भी इंटरवल हो सकता है, क्योंकि 3,4 जो है वो भी हमारा प्रीफिक्स से मैच हो रहा है। लेकिन ये नहीं होगा कभी भी, हम इस इंटरवल पे नहीं रुकने वाले, ठीक है, हम आर को मैक्सिमम पॉसिबल लेते हैं जब तक हमारी स्ट्रिंग प्रीफिक्स से मैच हो रही है, जब तक हम आर को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे जो ये है 4, ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है, और ये वाला तो इससे हो ही रहा था, तो ए से ए, बी से बी, सी से सी मैच हो रहा है, तो मैं यहाँ आर को यहाँ तक लेके जाऊंगा। जैसे ही मिसमैच हुआ, डी से ए मिसमैच हो गया ना, तो मैं यहीं पे रुक गया, मतलब मेरा इंटरवल जो होगा अगर L3 है तो R जो है वो 5 होगा। बस मेरा पॉइंट ये था वहां पे कहने का, कि R जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो ये था, क्योंकि यहाँ पे 3-4 की भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हम 3-4 नहीं लेंगे, 3-5 लेंगे, क्योंकि एक और मैच हो सकता है, तो हमने वो ही लिया, ठीक है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ठीक है, और फिर उससे एल्गोरिदम को समझते हैं कि कैसे काम करेगा दोनों पॉइंटर्स को रख के। एल्गोरिदम से पहले 2-3 पॉइंट समझने जरूरी है, ठीक है, तो पहले वो देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे इसको यूज करके। तो सबसे पहले तो अगर हम करेंटली किसी आई पर हैं, मतलब हम जी आई कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फॉर एवरी जे लेस देन आई, हमारे पास जो z ऑफ j की वैल्यू है ना, ये पड़ी हुई है पहले से, ऑलरेडी है हमारे पास, ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ठीक है। तो ये कैसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे कि मतलब हम z i को कैसे फिल कर रहे हैं, i को आइट्रेट कर रहे हैं 1 से लेकर n-1 तक, n यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे है। तो अगर मैं करेंटली i इज इक्वल टू 4 पे हूँ, तो मेरे को ये पता है ना यार, 1 2 3 मैंने फिल कर दिया होगा, जब भी तो 4 पे हूँ, तो बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं, फॉर जे लेस देन आई हमारे पास जी जे की वैल्यू पड़ी हुई है पहले से, ठीक है, कूल। तो अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हमारा करंट इंटरवल जो है, जो मैक्सिमम मैचिंग का प्रीफिक्स से वो इंटरवल एल आर है करेंटली, और हम जी आई कैलकुलेट कर रहे हैं करेंटली, तो अगर इफ हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो अगर हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन आर है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी रेंज एल आर एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसमें हमारा आई बीच में कंटेन हो रहा हो, ठीक है, मतलब आई आर की इक्वल भी हो सकता है, एल की इक्वल भी हो सकता है, मतलब बेसिकली ये है कि कोई एल आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसमें हमारा आई आ रहा हो बीच में, ठीक है, आई ग्रेटर देन आर है क्योंकि, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम इसके लिए जी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी आई तो स्टार्टिंग फ्रॉम आई मैक्सिमम मैचिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, si SI+1, SI+2, ऐसे कुछ होगा स्ट्रिंग, ठीक है, और ये प्रीफिक्स होगा मान लो 0 1 2 ऐसा कुछ। तो हम जी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैचिंग करके, कि भाई ये मैच हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ये मैच हो रहा है आगे बढ़ जाओ, ये मैच हो रहा है आगे बढ़ जाओ, जैसे ही मिस मैच हुआ वहीं रुक जाओ, और आंसर आ गया अपने पास 3, ठीक है। और ये करते करते साथ साथ हम इस रेंज को भी अपडेट करेंगे, ठीक है, तो ये रेंज अभी हो जाएगी L=I R=I+2, अगर ये वाला मिस मैच हो गया तो I+2 तक मैच हो रहा था, तो रेंज ऐसे अपडेट हो जाएगी, ठीक है।
तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे जी आई की वैल्यू, अगर हमारा आई ग्रेटर देन आर है तो ठीक है, नॉर्मल मैचिंग करवा के और रेंज भी अपडेट करेंगे। ठीक, ओके। तो एक और पॉइंट हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर अगर जैसे यहाँ पे आई लेस आई ग्रेटर देन आर था, अगर आई मान लो बीच में आता हमारी रेंज के, हमारी करंट रेंज जो है मैचिंग की वो एल आर है और हमारा आई बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम प्रीवियस वैल्यू को रीयूज कर सकते हैं, प्रीवियस वैल्यू ऑफ यूज, ठीक है, एरे की प्रीवियस वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो ऐसा कुछ है, स्ट्रिंग है एल आई बीच में कहीं आ रहा है या फिर कॉर्नर आ रहा है, कैसे भी लिख लो, ठीक है, ये हमारी रेंज है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस रेंज का मतलब ये मैच हो रहा है हमारे प्रीफिक्स से, तो प्रीफिक्स से मैच करवा दो भाई। ठीक, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, अगर एल आर मैच हो रहा है तो आर माइनस एल, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ आर माइनस एल प्लस वन है, लेंथ इक्वल आर माइनस एल प्लस वन। ठीक, तो अगर ये पूरा इससे मैच हो रहा है तो जो हमारा करंटली आई पोजीशन है वो प्रीफिक्स में कौन सा पोजीशन होगा, तो वो होगा जे, अगर हम उसका नाम जे रखें तो वो होगा आई माइनस एल। ठीक है, तो जे ले लो यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो हमारे पास, हमको ये पता है कि हमारे पास जी ऑफ जे की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, पॉइंट वन यही था, ठीक है, कि हमारे पास लेस देन आई वैल्यू सारी जी की पड़ी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जी वैल्यू नोन है। तो अब हम इसका रीयूज करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको रब करो, तो हमें ये पता है यहाँ पर कि ये पूरा इस पूरे से मैच हो रहा है। ठीक, और हमें ये पता है कि भाई करंटली हम आई पे हैं, जी एरे की वैल्यू निकालनी है आई एथ पोजीशन पे, और ये वाली सेम पोजीशन प्रीफिक्स में जे है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आई माइनस एल है। ठीक है, मेरे को सब कुछ पता है। तो अब हमें ये पता है कि आई से लेकर आर तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो तो यहाँ पर भी मैच हो रहे होंगे। ठीक है, इतने ही कैरेक्टर्स यहाँ पर भी होंगे जितने यहाँ पर हैं आई से आर में, तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं, आर माइनस आई प्लस वन, इतने कैरेक्टर्स मैक्सिमम मैच हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं जी एरे में जे पे वैल्यू देखूंगा क्या है। तो मैंने कहा भाई ये वैल्यू मैं चेक करता हूँ क्या है, अगर ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम मैचिंग जितनी हो सकती है, मतलब मिनिमम इतनी तो होगी, ये तो मैं श्योर हूँ, आर माइनस आई प्लस वन कैरेक्टर्स तो मैच होने ही है, तो अगर ये जी जे वैल्यू आर माइनस आई प्लस वन से कम है, ठीक है, ये समझना, अगर मेरी जी ऑफ जे पे वैल्यू जो मैक्सिमम अपनी मिनिमम मैचिंग है, इतनी मैचिंग तो होगी, आगे भी हो सकती होगी शायद, ठीक है, हम इतने का तो गारंटी ले सकते हैं, तो इतनी मैचिंग मिनिमम जो है इससे कम है, तो जी ऑफ आई पे जो वैल्यू होगी ना वो भी जी ऑफ जे के इक्वल ही होगी। ठीक है, ये हमने रियूज करा कैसे, ऐसे कि अगर हमारे आर माइनस आई प्लस वन कैरेक्टर्स मिनिमम मैच होंगे ही होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इतने, यहाँ पर भी इतने, और यहाँ पर जो जी ऑफ जे की वैल्यू है वो कम है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि यहाँ पर भी सेम ही होगी। ठीक है, जी ऑफ आई की वैल्यू भी जी ऑफ जे के बराबर ही होगी, तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर जी ऑफ आई ज्यादा होता तो यहाँ पे जी ऑफ जे भी तो ज्यादा होता ना, क्योंकि ये कैरेक्टर तो सारे सेम ही हैं, तो आंसर तो सेम आना चाहिए था, अगर जी ऑफ आई ज्यादा होना चाहिए तो जी ऑफ जे भी तो ज्यादा ही होना चाहिए था ना, इसलिए अगर ये नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने मैच हो रहे हैं उससे कम है तो अपना जी आई जी जे के बराबर ही होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट एक और है यहाँ पर, एक मिनट, तो यार दूसरा पॉइंट ये है कि अगर
यहाँ पे तो जैसे लेस देन आया था, अगर हमारी जी एरे की वैल्यू जे पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाती है नंबर ऑफ मिनिमम मैचिंग कैरेक्टर से, तो मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, ये S0 से लेकर R-L, और ये इक्वल आ रहा था हमारा L से R की रेंज है अपनी, बीच में कहीं आई होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर J कंसिडर कर रहे थे जो सेम I कैरेक्टर के इक्वल होगा, मतलब I का रेप्लिका प्रीफिक्स में क्या होगा वो J इज इक्वल टू I-L पर था, ठीक है। हाँ ठीक, तो अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि जी ऑफ जे की वैल्यू जे से यहाँ पर मिनिमम मैचिंग कैरेक्टर्स जो हैं R-I+1, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स तो मिनिमम मैच हो रहे थे ना, R-I+1, इससे अगर ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि जी आई की वैल्यू भी इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, रेंज को रीसेट करेंगे, एल को करेंगे आई, ठीक है, और यहाँ पर R+1, आर तक तो मैच हो ही रहे थे, हम R+1 से मैचिंग चालू करेंगे, R+1, R+2, और प्रीफिक्स में हम चालू करेंगे R-L+1 से, ऐसे। तो स्ट्रिंग में हम इसको मैच करवाएंगे कि जितना भी मैक्सिमम मैचिंग हो रहा होगा फिर उस हिसाब से हम आर को एक्सटेंड करते जाएंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास एक एल आर रेंज आ जाएगी और हमारे पास जी आई की वैल्यू भी आ जाएगी R-L+1, ठीक है, फॉर दिस आई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने थे। तो सबसे पहला तो ये था कि फॉर ऑल जे लेस देन आई हम हमारे पास नोन होगी वैल्यूज, दूसरा हमारे पास ये था कि अगर करंटली कोई हमारे पास एल आर रेंज है और हमें कोई आई का निकालना है जी वैल्यू, अगर आई ग्रेटर देन आर है तो हम नॉर्मली आइट्रेट करके निकालेंगे। दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर आई जो है वो एल आर के बीच में लाए कर रहा है तो क्या होगा, तो दो केस बन रहे थे कि पुरानी वैल्यूज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और अगर ये केस है तो हम इटरेट करेंगे R+1 से नेक्स्ट कैरेक्टर तक जहाँ तक मैच हो रहा होगा, और नया इंटरवल बनाएंगे एल आर और फिर जी आई के वैल्यू निकाल लेंगे R-L+1 कि इतने मैचिंग कैरेक्टर्स हैं। अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जो हमने पॉइंट्स देखे वो क्लियर हो जाएंगे थोड़े, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्ट्रिंग लेते हैं ABC, ABC, D, ABC, ABC, F, ठीक, और इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और हम अब जी एरे फिल करेंगे, तो जीरो को तो कोई सेंस बनता नहीं है तो हम जीरो ही रखते हैं जीरो पे, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तो पूरी स्ट्रिंग ही मैच होगी प्रीफिक्स से, तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं मेन, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो इनिशियलाइज कर रखा है हमारे एल आर इंटरवल को वो जीरो से कर दिया, ठीक है, इनिशियली कोई इंटरवल ही नहीं है हमारे पास तो जीरो जीरो कर दिया, ठीक है। तो अब हम आए करेंटली आई इक्वल 1 पे, तो हमने देखा कि भाई आए तो आर से बड़ा है तो हम इसके लिए नॉर्मली आइट्रेट करके सॉल्व करेंगे कि भाई बी को ए से मैच करा, मैच नहीं हुआ तो हमारे पास 0 आंसर आ गया, ठीक है। और जब भी हम ये वाला केस करते हैं कि भाई आई ग्रेटर देन आर आ रहा है तो हम इसको अपडेट कर देते हैं एल आर रेंज को आई से, तो 1-1 से अपडेट कर दिया, ठीक है, और फिर मैच कराया तो एक भी मैच नहीं हुआ, 0 आ गया। फिर हम गए आई इक्वल टू 2 पर, ठीक है, अब फिर से आई ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो फिर से हमने इसको अपडेट करा 2 से आई से, और फिर नॉर्मल मैचिंग करवाई और सॉल्व करा, तो सी ए से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका भी आंसर 0 हो गया। फिर हम आए आई इक्वल टू 3 पर और हमने इसको अपडेट कर दिया 3 पर दोनों को, ठीक है। अब हम आर को एक्सटेंड करेंगे आगे मैच करवाने के लिए, तो सबसे पहले करंट आर को मैच करवाएंगे 3 को 0 से,
इसको 0 से, तो मैच हो गया, आगे बढ़ो, मैच हो गया, आगे बढ़ो, मैच हो गया, आगे बढ़ो, मिस मैच हो गया, ठीक है। तो मैच कितना हुआ, ये पार्ट मैच हुआ, तो आर हमारा करेंटली क्या रहा फिर, 5, ठीक है। लास्ट मैच यहाँ पे था ना, तो 5 पे रुका आर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ आर को अपडेट, तो आर हो गया 5, ठीक है। ये था 3, तो हमारा 3 पे आंसर क्या आ जाएगा, आर माइनस एल प्लस 1, जो कि है 3, ठीक है। 5 माइनस 3 प्लस 1, 3 हो गया, तो 3 का आंसर 3 आ गया, ठीक है। अभी हमारी करंट रेंज है एल आर 3 to 5, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कूल। तो अब हम आए आई इक्वल टू 4 पर, तो हमने क्या देखा भाई, कि हमारी आई जो है वो ग्रेटर देन आर तो है नहीं, ठीक है। तो हमारा आई जो है वो एल आर में लाई कर रहा है, यानी कि हम अब प्रीवियस वैल्यू को यूज करेंगे, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई वो वाला इंडेक्स बताओ जो आई का रेप्लिका हो प्रीफिक्स में, ठीक है। तो हमने निकाल लिया जे इक्वल टू आई माइनस एल, तो आई था 4 माइनस L3, ये हो गया 1, तो जे इक्वल टू 1, सही बात है, ठीक है। करंट 4 है ना हमारा आई, तो ये देखो मैच हो भी रहा है 1 से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जी ऑफ जे की वैल्यू चेक करो क्या है, तो जी ऑफ जे की वैल्यू क्या थी भाई, जी ऑफ 1 पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे मैचिंग कैरेक्टर से कम है क्या, तो 0 इज लेस देन आर माइनस आई प्लस 1, मतलब ये एल आर रेंज है हमारी, करंट आई यहाँ है, तो मैचिंग कितने हैं अभी आई से स्टार्ट होने के बाद, 2, तो ये 2 आएगा, ठीक है। 5 माइनस 4 प्लस 1, मतलब 2 आ गया है, तो लेस देन 2 है, यानी कि इसका आंसर भी जी आई भी यही होने वाला है, जी ऑफ जे के बराबर, ठीक है। तो ये भी हमने 0 लिख दिया, ठीक, कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं आई इक्वल टू 5 पर, हम आए आई इक्वल टू 5, ठीक है, 5। अब हमने कहा ये भी हमारी रेंज में है, एल आर रेंज में, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, कि जे निकालो जो प्रीफिक्स में सेम कैरेक्टर है, ये वाला आई वाला, वो क्या है, उसका इंडेक्स क्या है। तो जे निकाला भाई आई माइनस एल, तो आ गया 2, तो कंफर्म कर लेते हैं 2 है भी ना, तो ये देखो 5 जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो सही है। तो हमने क्या कहा, जे आ गया 2, हमने कहा जी ऑफ जे चेक करो, तो ये 0 है, और मैचिंग कैरेक्टर्स कितने थे हमारी, एल आर रेंज अभी ये है 3 to 5, और हम करेंटली यहाँ पर है, तो एक ही कैरेक्टर है मिनिमम जो मैच होगा, और आर माइनस आई प्लस 1 होते हैं, तो 5 माइनस 5 प्लस 1 एक ही होगा, ठीक है। तो जी ऑफ जे जो है वो लेस देन 1 है, क्योंकि ये है 0, ठीक है। तो अपना आंसर जी ऑफ आई का सेम आ गया जी ऑफ जे के, ठीक। तो यहाँ पर आ गया आपका 0, ठीक है, क्योंकि सेम है ये और ये। अब हम आते हैं अगले आई पर, अगला आई है आई इक्वल टू 6, ठीक है, ये वाला आई इक्वल टू 6। अब हमने देखा हमारा आई तो ग्रेटर देन आर है, आर 5 है, तो हम इसके लिए एल आई को सेट करेंगे आई से 6 6, और फिर आर को मैच करवाएंगे, तो 6 0 से मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है, नो मैचिंग। फिर हम आए आई इक्वल टू 7 पर, आई इक्वल टू 7, 7 भी हमारा आर से बड़ा है अभी, आई ग्रेटर देन आर, तो हमने फिर से रीसेट करा 7 से, ठीक है। फिर मैचिंग करवाई, ए है ना, ए से 0, बी से बी, सी से सी, ए से ए, बी से बी, सी से सी, एफ से डी, यहाँ पे हो गया मिसमैच, ठीक है। तो अपना क्या आया,
यहाँ से लेकर यहाँ तक मैच हुआ, तो आर मैक्स ही आएगा, तो आर को अपडेट कर देंगे 12 से, ठीक है। तो 7 से 12 हमारी नई रेंज आ गई, तो हमारा करंट आई के लिए आंसर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 7 के लिए आर माइनस एल प्लस 1, तो 12 माइनस 7 प्लस 1, तो 5 प्लस 1, 6 कैरेक्टर्स मैच हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 6, कूल। अब हम बढ़े आगे, ठीक है, रेंज अपडेट हो गई हमारी 7 to 12, ठीक है। अब हम आए आई इक्वल टू 8 पर, आई इक्वल टू 8, तो हमने देखा भाई 8 तो हमारी रेंज में लाई कर रहा है, तो हमने जे निकाला फिर से, आई माइनस एल, तो ये हो गया 8 माइनस 7 1, तो 1 पे जो कैरेक्टर है वही 8 पर है, और हमने क्या करा, जी ऑफ 1 निकाला, तो वो आ रहा था 0, और 0 है लेस देन अपना मैचिंग कैरेक्टर, मिनिमम मैचिंग कैरेक्टर से। मिनिमम मैचिंग कितने हैं भाई यहाँ से स्टार्ट होके, इतने 5, ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, जी ऑफ आई मतलब जी ऑफ 8 इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ जे, जे है 1, तो ये हो गया 0, ठीक है, ये 6 से 0 नहीं है। ऐसे ही हम फिर से आगे बढ़ेंगे, आई इक्वल टू 9 पर आएंगे, और 9 के लिए फाइंड करेंगे कि भाई 9 भी अपनी रेंज में है, जे निकाला, आई माइनस एल 2, तो 2 जो है वो 9 से मैच हो रहा है, सी सी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जी ऑफ 2 निकाला जो कि है 0, और आर माइनस आई प्लस 1 निकाला, 12 माइनस 9 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 कैरेक्टर मैच होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 9, ठीक है। तो 0 लेस देन 4 है, तो हमने क्या कहा भाई, जी ऑफ आई जो होगा वो जी ऑफ जे के बराबर आ जाएगा, तो इसको भी हमने जी ऑफ 2 के बराबर कर दिया जो कि था 0, ठीक है। अब बस हम इसे ऐसे ही आगे रिपीट करेंगे फिर से, फॉर आई इक्वल 10, ये भी हमारी रेंज में है अभी, करंट रेंज में, ठीक। तो हमने जे निकाला, 10 माइनस 7 3, तो 3 पे जो है वो 10 पर है, ठीक है, 10 पे 3 पे, ठीक। फिर हमने क्या कहा कि भाई जी ऑफ 3 निकालो, ये आ गया 3, और मैचिंग कैरेक्टर्स कितने हैं, आर माइनस आई प्लस 1, आर था 12, माइनस आई है 10 प्लस 1, तो 12 माइनस 10 हो गया 2 प्लस 1 3, ठीक है 3। तो अब है 3 लेस देन 3 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल को सेट करेंगे, क्योंकि हमें अब पता है कि आंसर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है आर माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है, जी ओ वाई और बड़ा हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एल को रीसेट करा आई से मतलब 10 से, कलर चेंज कर लेते हैं, 10 से रीसेट करा, और आर को आगे बढ़ा कर देख, आर माइनस आई प्लस 1 3 आ रहा था, 3 कैरेक्टर्स तो मैच हो ही रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3, तो हम अब अगले से मैचिंग करेंगे, एफ को ए से मैच करवाएंगे, क्योंकि पहले 3 तो मैच हो ही रहे हैं, तो मिस मैच हो गया, यानी कि आर अपना 12 भी सही है, 10 to 12 रेंज आ गई। फिर हमने इसको अपडेट कर दिया 3 से, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स मैच हो गए, रेंज है ये, और फिर ऐसे ही हम आगे वालों को भी फिल करेंगे, ठीक है। तो 11 के लिए 0 हो जाएगा, 12 के लिए 0 हो जाएगा, 13 के लिए 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया जी एरे, ठीक है। तो यार फटाफट कोड देखते हैं जी एल्गोरिदम का, जी एरे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। पूरा गेम उसका ये है कि जी एरे क्रिएट करना है, उसके बाद तो हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो कोई स्ट्रिंग होगी हमारे पास, उसका कुछ साइज होगा, ठीक है, और हम हमारे पास जी एरे आएगा, हम कॉल करेंगे जी
सी एल्गोरिदम, ठीक है, उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे और उसका साइज पास कर देंगे, ठीक है। रिटर्न में हमारे पास एक एरे आएगा जिसका साइज भी एन होगा, तो उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। जी आई, ठीक है, तो ये जो मेन है काम सारा वो ये है, ये फंक्शन कंप्लीट करना है, ये करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप इंट स्टार होगा जी एल्गो, फंक्शन का नाम स्ट्रिंग एस, इंट एन साइज हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जी इक्वल न्यू इंट, साइज रखेंगे इसका एन, ठीक है, और बस दो इंटरवल बनाने हैं हमें, एल आर, दो पॉइंटर होंगे, इनिशियलाइज होगा जीरो से, ठीक है, फिर इटरेट करना चालू करेंगे वन से लेकर एन माइनस वन तक, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन वन कि अगर अपना करंट आई जो है वो ग्रेटर देन आर हो, मतलब इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कि अपना आई उसमें आ रहा है इंटरवल में, यानी कि आई बड़ा हो आर से, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते थे, एल को और आर को सेट करते थे आई से, और हम मैचिंग के लिए इटरेट करेंगे, ठीक है। तो आर लेस देन एन एंड स्ट्रिंग आर माइनस एल, जब तक अपनी स्ट्रिंग इक्वल आती रहेगी तो हम आर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मैचिंग करी जब तक हो रही है, ये कंडीशन लगा दी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक ही मैच कर पाएगा, मतलब लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, और जब तक मैचिंग हो रहा है जब तक अपना वाइल लूप चलेगा आर प्लस प्लस, ठीक है। तो लास्ट आर जो होगा वो मिसमैच का आर होगा ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा लूप से बाहर आकर, और हम जी एरे में फिल कर देंगे, हमारे पास रेंज आ गई एल टू आर, तो कितनी लेंथ हुई मैचिंग की, आर माइनस एल प्लस वन, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अब आता है कंडीशन टू, एल्स अगर आई जो है हमारा एल आर रेंज में लाई कर रहा है तो क्या करेंगे, तो हम निकालते थे जे, तो वो ही सेम इंडेक्स प्रीफिक्स में कौन सा है जो हमारा अभी करंट वाली सबस्ट्रिंग में आई है एल टू आर में, तो वो होगा आई माइनस एल, ठीक है। फिर हम कंडीशन टू ए चेक करते थे कि भाई क्या Z एरे की वैल्यू jth इंडेक्स पर लेस देन है R माइनस L, सॉरी I प्लस 1 से, नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ मैचिंग कैरेक्टर, जो मिनिमम इतने तो मैच होंगे, ठीक है, I स्टार्टिंग फ्रॉम I प्रीफिक्स से। तो अगर ऐसा है तो अपने ZI की वैल्यू ZJ हो जाती थी, ठीक है, हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में। एल्स कंडीशन टू भी क्या थी, अगर जीजे जो है वो ग्रेटर है मिनिमम मैचिंग कैरेक्टर से, तो क्या करते थे, हम एल को सेट करते थे आई, क्योंकि जी आई की वैल्यू और ज्यादा हो सकती है, तो और ज्यादा हो सकती है तो देख लेते कितनी ज्यादा हो सकती है, तो मैच करवा के देखते हैं। एल को हमने सेट करा आई, और अब हम मैचिंग करवाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आर माइनस एल प्लस वन तो मैच हो ही रहे हैं, अब इसके आगे कितने मैच हो रहे हैं, तो R less than N, सेम कंडीशन जो ऊपर डाली थी, R minus L equal equal SR, ठीक है, जब तक मैच होगा जब तक हम R इंक्रीमेंट करते जाएंगे पॉइंटर, और लास्ट वाला R मिसमैच का होगा कंडीशन फॉल्स का, तो R minus minus, और ZI में वैल्यू डाल देंगे R minus L plus 1, ठीक है। तो बस हमने सारी कंडीशन देख ली, हमारा जी एरे क्रिएट हो गया, हमने कर दिया इसे रिटर्न, ठीक है, कूल।
तो एक बार हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए चला के देखते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट और पैटर्न वाला। तो पैटर्न मान लो ABC और फिर डॉलर और फिर हमारा कुछ ABCD ABCF ABD ABE, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के लिए हमारा जी अरे क्रिएट करो। तो हमारा ये जो है ABC, ये पैटर्न है और ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट है, हमें पैटर्न ABC को टेक्स्ट में देखना है कहाँ कहाँ पर है। तो हमने देखा था जी अरे क्रिएट करिए कैसे देख सकते हैं, डॉलर बीच में अपेंड करके मिडल में दोनों के, ठीक है। तो ये हम रन करते हैं, जी अरे प्रिंट करते हैं क्या आता है, ठीक है। तो जीरोथ इंडेक्स पे कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं, ठीक है, इसे इग्नोर करो। तो मैं स्टार्टिंग से प्रिंट नहीं करता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। हमें वन से चाहिए तो वन से प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जी वैल्यूज आ गई सारी। तो वन से स्टार्ट हम करा हमने प्रिंटिंग को, तो वन से इंडेक्सिंग हो गई यहाँ पर, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ पे हमारा थ्री है। तो हमने देखा था कि अगर हमारा जी एरे में पैटर्न की लेंथ के बराबर का कोई इंटीजर आएगा तो यानी कि उस इंडेक्स से हमारा पैटर्न मिल रहा है टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिंग में अगर हम इसका इंडेक्स देखें 3 का, 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे तो 0 1 2 3 4, तो ये 4 है। 4 से स्टार्ट होगा हमारा पैटर्न, मिलेगा, मिल गया, ठीक है। अगला कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, ये कौन सा इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से मिल रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला 8, 8 से मिल गया पैटर्न, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे, आगे 3 है नहीं तो आगे कहीं ABC भी नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे कहीं पे, यहाँ पे सिर्फ ए बी है, सी नहीं है, यहाँ पे भी ए बी है, सी नहीं है। तो ये एक छोटा सा टेक्स्ट में पैटर्न सर्च करने का यूज देगा हमने जी एल्गोरिथम से। मतलब बेसिक तो यही है कि जी एरे क्रिएट करना है, ठीक है। ये वाला फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे क्रिएट करा हमने जी एरे, उसके बाद तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने टेक्स्ट में पैटर्न फाइंड करने वाला देखा, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, बाद में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है इसमें कि मतलब सबसे अगर पहले हम देखें कि एल्गोरिदम को, तो ऐसा लगता है कि एक लूप बाहर है, ठीक है, एक अंदर है, ये वाला अंदर, ये देखो, तो ऐसा लगता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर जा रही है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है। क्यों है, क्योंकि एक तो बाहर वाला लूप है ही, ठीक है, ये ओ ऑफ एन दिख रहा है सीधा सीधा, दिक्कत अंदर वाले में लग रही होगी। तो इसका ये है कि ये लूप हमेशा आर के लिए है, ठीक है, आर इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम इसमें, इस लूप में हमेशा। तो इनिशियलाइज आर 0 से हुआ था, ठीक है, फिर आर इसमें आई लिख दिया, यहाँ पर इंक्रीमेंट करा, ठीक है, मतलब हमेशा आर को हम इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं, कभी भी कम नहीं कर रहे कि भाई आर को रीसेट कर दिया 0 पे, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये वाइल लूप जो है ना, ये मतलब एक इटरेशन है पूरी स्ट्रिंग की, ऐसा। तो एक बाहर वाली पूरी तो हो ही गई, पूरी स्ट्रिंग की एक इटरेशन, और एक अंदर वाले में भी वर्स्ट केस ये मान लो कि पूरी आर जो है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो एक बार स्ट्रिंग को ये भी इटरेट कर लेगा पूरे फॉर लूप में, ये नहीं कि फॉर लूप की एक इटरेशन में ये पूरा वाइल एक बार पूरी स्ट्रिंग को इटरेट कर रहा है तो ऐसे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा। वाइल लूप हमेशा पूरा स्ट्रिंग को एक ही बार इटरेट कर रहा है पूरे फॉर लूप में, ठीक है ना। तो एटमोस्ट 2n कंपेरिजन हो रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं, एक तो बाहर वाला फॉर लूप कर रहा है एन, और एक अंदर वाला वाइल लूप कर रहा है एन एटमोस्ट। तो 2n, ओ ऑफ 2n जाएगा तो वो ओ ऑफ एन ही होता है, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, लीनियर टाइम एल्गोरिथम बहुत यूजफुल है।